I gave you two verbs yesterday. Hear and listen. Now, let's make some sentences with hear. Kiki, do you hear 93.4? Sir, please come again. I did not listen last things properly. Yes. Do you hear 94.3? Yes, sir. I hear 94.53, sir. क्या आप 94.3 सुनते हैं? Sir, can I change my answer? Yes, sir. I hear 94.53 because it's hot. Complete the process. क्या आप 94.3 सुनते हैं? हाँ सर, मैं 94.53 सुनता हूँ क्योंकि वो हॉट है. प्लीज टेक एनी अदर टेंस एंड आस्क सेंटेंस टू जूही जी. एनी टेंस विथ हियर. मैम, डिड यू हियर योर मदर इन लॉस वॉइस? मैम, यस रिपीट. Yes, I heard my mother-in-law's voice. मैम, क्या आपने अपनी सासू माँ की आवाज सुनी? हाँ, मैंने अपनी सासू माँ की आवाज सुनी. ओके मैम. सो जी जी आस्क वन क्वेश्चन टू मान्या. मान्या हैज कम. यस सर. मान्या, शुड यू हियर लता मंगेशकर? तो सर लिसन हो जाएगा उसमें क्या? दोनों एक ही से हैं. हियर भी चलेगा. शुड यू हियर लता मंगेशकर? यस दी, आई शुड हियर हियर लता मंगेशकर. और आई शुड हियर हर. क्या तुम्हें लता मंगेशकर को सुनना चाहिए? हाँ दी, मुझे उन्हें सुनना चाहिए. सब एनी क्वेश्चन. सर, हैव यू लिसन्ड द लास्ट? के मान्य विलास. Sir, have you listened my speech properly? No, I have not heard your speech properly because there was so much noise. Sir, I'm just coming, sir. Somebody has to. I'll inform you when I am joined. Okay. अब जूही जी, आपने सुना अभी एक चीज और ध्यान दिए नहीं. नहीं दिया. चलिए मैं ध्यान दिलाता हूँ. मान्या, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. जूही जी लिसन मान्यास क्वेश्चन एंड माय आंसर. हैव यू लिसन्ड माय स्पीच प्रॉपरली? सॉरी मान्या, आई हैव नॉट हर्ड योर स्पीच प्रॉपरली बिकॉज देर वॉज सो मच नॉइस.
सर क्या आपने मेरी स्पीच प्रॉपरली सुनी? माफ कीजिए मान्या, मैंने आपकी स्पीच अच्छे से नहीं सुनी है क्योंकि बहुत शोर था। अब जूही जी, हिंदी पर ध्यान नहीं दिलाना चाह रहा था मैं, इंग्लिश पे दिलाना चाह रहा था। जब मान्या ने लिसेंड का उच्चारण किया तो ये शब्द अटपटा सा लगता है और मैंने जानबूझ के हर्ड में आंसर दिया, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, आप मूवीज में देख सकते हैं, इसलिए ये अंतर है एक्चुअली। और ग्रामर की दृष्टि से हियर किसी चीज को ऐसे जनरली सुनने के सेंस में होता है और लेसन का ग्रामेटिकल अर्थ होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना, ये ग्रामर है। लेकिन आप पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिसन का प्रयोग लिमिटेड जगह पे करते हैं, ऑल इंग्लिश मीडियम गाइस। जैसे अगर उनको बोलना हो तो बोलते हैं लिसन केयरफुली, यहाँ पे वो ऐसा नहीं बोलते कि हियर केयरफुली, नहीं बोलते हैं वो, वहां लिसन ही बोलेंगे। तो ये जो बैलेंस है कि हमें कहाँ हियर यूज करना है कहाँ लिसन, ये धीरे धीरे हमें फिल्मों को सुन के और अपने सेंटेंसेस को सुन के और कुछ प्रोग्राम्स जो टीवी में चलते हैं उससे क्लियर होगा अपने आप। और जब भी आप में से कोई भी गलती करेगा तब भी मैं बताऊंगा, टोक दूंगा, तब भी क्लियर होगा। एक्चुअली हमने जो सेंटेंस बनाया था शुरू में वो ग्रामर की दृष्टि से गलत सेंटेंस था। हमें एक प्रश्न से पूछना था, डू यू लिसन 94.3, वहाँ लिसन का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने वहाँ हियर का प्रयोग कर दिया था। चलिए, तो हमने इन दोनों का प्रयोग अभी हल्का हल्का सा सीख लिया। नाउ टेल मी व्हाट वॉज द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस। इट्स अ पीस ऑफ केक एंड सो बीट सर, टू हाँ इंटरेक्टिव सेंटेंस यू गिव अस। वेरी नाइस। चलिए पहले हम राउंड खेलते हैं सिंपल। मान्या, इज इट अ पीस ऑफ केक? यस सर, इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या ये बहुत आसान? हाँ सर, ये बहुत आसान। सेम क्वेश्चन। जुहरी, इज इट अ पीस ऑफ केक? यस इट इज अ पीस ऑफ केक। क्या ये बहुत आसान है? हाँ ये बहुत आसान है। सर किससे पूछना है आप? ओके सर, इज इट अ पीस ऑफ केक? नो, इट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या ये बहुत आसान है? नहीं, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है। मान्या है जूही जी, हैव आई गिवन यू दिस इडियम? नो सर, मान्या, प्रॉपरली नहीं दिया है आपने। व्हाट वर यू सेइंग? सर आई शुड सेड द सेम दैट यू हैव नॉट गिवन दिस प्रॉपरली, बट मैम हैज सेड। यस, सेकेंड राउंड। मान्या, वॉज दैट वर्क अ पीस ऑफ केक? एक्चुअली इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, बट वी विल ट्राई, सो इट मस्ट बी पीस ऑफ केक। मान्या, योर टोटल आंसर इज रॉन्ग। जुई जी, कैन यू गिव सिंपल आंसर? यस दैट वर्क वॉज पीस ऑफ केक।
पीस ऑफ केक। क्या वो काम बहुत आसान हाँ वह काम बहुत आसान था। था? आस्क हर मान्या वॉज दैट वर्क पीस ऑफ केक। No, दी दैट वर्क वॉज नॉट पीस ऑफ केक बट वी ट्राइड अ लॉट दैट्स वाई इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर अस। मान्या क्या वह काम आसान था? नहीं दी वो काम आसान तो नहीं था पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की इसलिए वो हमारे लिए आसान हो गया। जूही जी, विल इट बी अ पीस ऑफ केक? यस इट विल बी अ पीस ऑफ केक। क्या ये आसान होगा? हाँ यह आसान होगा। मान्या विल इट बी अ पीस ऑफ केक। आई डोंट थिंक सो दी इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर देम बिकॉज दे आर लेजी पर्सन। क्या ये आसान होगा? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए आसान होगा क्योंकि वे लेजी पर्सन है। ओके, अब कुछ सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जूही जी, इज रोटी मेकिंग अ पीस ऑफ केक फॉर यू? यस सर डेफिनेटली रोटी मेकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्या रोटी बताना आपके लिए आसान है? चलिए हिंदी बदल लेते हैं। क्या रोटी बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल? हाँ सर रोटी बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब इसमें कुछ बदलिए आप। ओके सर। मान्या शुड शुड ड्राइविंग नहीं सर म्यूट। मान्या, विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? सर दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी प्रेजेंट। यस, एक्चुअली वी आर प्लेइंग बी चैप्टर। मान्या ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन इज ड्राइविंग अ कार पीस ऑफ कार की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग इज इज ड्राइविंग अ पीस ऑफ केक ऑफ यू। सर प्रिपोजिशन इज पीस ऑफ केक ऑन तो नहीं सकता सोचिए, थोड़ा सा थिंक फॉर लिटिल। यू। फॉर यू यस, यस दी ड्राइविंग इज द पीस ऑफ केक फॉर मी। क्या कार चलाना आपके बाएं हाथ का खेल है? हाँ दी कार चलाना प्रश्न किया कहाँ उन्होंने? ओ सॉरी सर इज ड्राइविंग यस सर सर इज ड्राइविंग नो, हिंदी हिंदी हिंदी। क्या ड्राइव करना आपके बाएं हाथ का खेल है? हाथ ही ड्राइव करना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
दी इज टाइपिंग ऑन मोबाइल अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सॉरी, अ ड्राइव अ टाइपिंग ऑन मोबाइल अ पीस ऑफ केक फॉर हर. यस, अ टाइपिंग ऑन मोबाइल इज पीस ऑफ केक फॉर हर. क्या मोबाइल में टाइप करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ, मोबाइल में टाइपिंग करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है. इज टाइपिंग हिंदी अ पीस ऑफ केक फॉर यू मान्या? नो सर, टाइपिंग इन हिंदी इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. क्या हिंदी में टाइप करना आपके लिए आसान है? अच्छा, नो सर, हिंदी में टाइप करना मेरे लिए आसान. जुई दी इस प्रेजेंटेशन अ पीस ऑफ केक फॉर देम. यस, प्रेजेंटेशन इज अ पीस ऑफ केक ऑफ देम, फॉर देम, सॉरी. क्या प्रेजेंटेशन उनके लिए बाएं हाथ का खेल है? हाँ, प्रेजेंटेशन उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. मान्या, इज डिलीवरिंग थर्ड स्पीच अ पीस ऑफ केक? यस सर, डिलीवरिंग थर्ड स्पीच इज अ पीस ऑफ केक. करेक्ट. क्या तीसरी स्पीच देना आसान है? यस सर, तीसरी स्पीच देना आसान. और जुरी आर प्लकिंग गुआवास फ्रॉम द ट्री अ पीस ऑफ केक. यस सर. Meanwhile, I can. Yes, you can. Manya, is dancing is a piece of cake for Nora Fatehi? Do Is is. dancing? Yes, sir. दो ये आ जाते. Sorry, sir. Is dancing a piece of cake for Nora Fatehi? It is a piece of cake for her. क्या डांस करना नूरा फतेही के बाएं हाथ का खेल है? हाँ, ये उसके लिए बहुत आसान है. शी इज एक्सपर्ट. सर, हाउ वुड बी माई क्वेश्चन? मतलब आई वॉन्ट टू से दैट क्या जाम तोड़ना उसके लिए? क्या बिही तोड़ना, क्या गुआवा तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है कि है? सर है ही लगेगा ना, है. सर एमआर. डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? यस सर. तो अपना हिंदी बोल के देख लो. क्या जाम तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है? इस ओके सर. Is plucking the guavas from the tree a piece of cake for him? Yes, plucking the guavas from the tree, a piece of cake for हर बोला कि हिम बोला आपने, जो भी. बोला. हिम. क्या
जाम तोड़ना उसके लिए बायां का खेल है। हाँ, जाम तोड़ना उसके लिए बायां हाथ का खेल है। ओके इनफैक्ट इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी ऑल्सो। वाह, नाइस यूज ऑफ इनफैक्ट। नाउ लेट्स प्ले वन राउंड विथ अनदर इंटरेक्टिव सेंटेंस ऑफ यस्टरडे। आई सेड टू द गॉड, गॉड आई लॉस्ट माई थ्री एक्सेस, गिव मी थ्री एक्सेस बैक। गॉड सेड सो बी इट। मैंने भगवान से कहा, भगवान मेरी तीन कुल्हाड़ियाँ खो गई, मुझे तीन कुल्हाड़ियाँ वापस दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। सो बीट का एक करना है आपको। I want to try something. I said to my husband on my last year's birthday, please, next year, will you give me a gold biscuit? So he said, so be it. मैंने लास्ट ईयर अपने हस्बैंड से अपने बर्थडे पे बोला मुझे नेक्स्ट ईयर सोने का बिस्किट दोगे, तो उन्होंने कहा तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। रावणा सेड टू शंकर जी, आई वॉन्ट टू बी इमॉर्टल। शिव जी सेड सो बी इट। रावण ने कहा शंकर जी से, मैं अमर होना चाहता हूं। शंकर जी बोले, तथास्तु। सीता जी सेड टू राम जी, आई वॉन्ट दैट गोल्ड डियर। रामचंद्र जी सेड सो बी इट। सीता जी ने रामचंद्र जी से बोला, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। रामचंद्र जी बोले, तथास्तु। सर कैन आई ट्राई ड्राइविंग अ कार शुड बी अ पीस ऑफ आई सेड टू माय डॉटर ड्राइविंग अ कार शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर मी देन ही सेड सो बी इट She said, शी सेड सॉरी यस सर डॉटर बुलाए ओके शी सेड सो इट बी कार चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल मैंने अपनी बेटी से कहा कार चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए तो उसने कहा तथास्तु।
It was really a very beautiful sentence, very beautiful use of should. There is a toffee for you. Thank you, sir. मैंने भगवान से रिलेटेड एक सेंटेंस बना था जब तक हम ढूंढ रहे हैं। ये इडियम सो बी इट के साथ लिखिएगा आप लोग। Manya, which chapter does this sentence belong? So this sentence belongs to present simple tense. Ask the same question to Jyoti. Which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple. I don't. Juhi ji asked the second question to Manya. Manya, what is the subject in this sentence? The God is the subject in this sentence. What is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. What is the main verb in this? Is this sentence? What is stays in this sentence? Main verb is current. Okay, sir. The main verb, or we can say first form of the verb in singular number, is stays in this sentence. What is long in this sentence? Long is an adjective in this sentence. Okay. What is but in this sentence? But is a conjunction in this sentence. What is strikes in this sentence? Strikes is another verb, na? First form of the verb in this sentence. What is at in this? It is a preposition in this. What is last in this sentence? Last is object in this sentence. Or object. What is the Hindi meaning?
हिंदी मीनिंग ऑफ और दिस सेंटेंस आई थिंक, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। So is it? इसके लिए दूसरा दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो केवल राइटिंग में मिल गया था तो अब हिंदी में बताता हूं, लेकिन इस बात को महसूस कीजिए आप दोनों कि अभी आप फटाफट एक दूसरे से क्वेश्चन करते जा रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे जूही जी, कल जो प्रश्न उत्तर चल रहे थे उसका जवाब अभी अभी आपको खुद मिला है। इतने सेंटेंस में बिल्कुल ना फ्लुएंसी गड़बड़ हुई, ना हेजिटेशन हुआ, और सारे जवाब सही मिल गए। इसका मतलब, और इस दौरान आपने हिंदी में नहीं सोचा। मान्या वॉज आस्किंग इन इंग्लिश, यू आर आंसरिंग इन इंग्लिश। यू आर आस्किंग इन इंग्लिश, मान्या वॉज आंसरिंग इन इंग्लिश। यू आर नॉट थिंकिंग हिंदी। तो जो चीज हम नियमित प्रयोग करते हैं, अब जूही जी आपके घर में कितने सदस्य हैं अभी प्रेजेंट? सर, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर एंड मी, थ्री। तो कोई ना कोई को आपको एक साथी बनाना होगा। जैसे आप किस एरिया में रहते हैं मुझे नहीं पता, मान्या और आप अलग अलग एरिया में हैं। यस सर, डिस्टेंस सर, है। आपको पता है नागपुर में मेरी सिस्टर रहती है, काटोल रोड यस यस सर, फ्रेंड्स का, अपर्णा दी। अपर्णा। और वहीं से एक और महिला ने ज्वाइन किया था, रेनू संगी। यस सर, आई नो। यस तो ये दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं आधे घंटे के लिए, एंड दे टोटली स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा कुछ जरूर करना पड़ेगा आपको, कोई ऐसा साथी मिले मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या आफ्टरनून का कोई समय। ये निर्भर करता है आपके रूटीन पे कि आपको कंपनी कब मिल सकती है। मॉर्निंग वॉक वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। यू कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मॉर्निंग वॉक भी हो गई, शुद्ध हवा भी ले ली, और बॉडी की एक्सरसाइज भी हो गई, प्लस टॉकिंग भी हो गई। तो अब आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि ऐसा कुछ आप, बिकॉज आई डोंट नो योर रूटीन, और आपके एरिया में कोई नहीं है ऐसा यहाँ जो ज्वाइन किया हुआ हो, तो आप ऐसा कर सकती। अभी इतने दिनों में कभी किसी ने आपसे ऐसा पूछा क्या, या चर्चा हुई किसी फीमेल से कि आई एम लर्निंग इंग्लिश? ऐसा लगता है जैसे आप इस बात को छुपा के रखना चाहते हो। नहीं, तो ऐसी थोड़ी सी चर्चा करें। अगर आपके पड़ोस से कोई फीमेल जो आपसे बहुत, जिसका अच्छी केमिस्ट्री हो, जिसके साथ आप मॉर्निंग वॉक पे जा सके फ्यूचर में, और अगर वो जो नया बैच ज्वाइन करती हैं, जैसे नागपुर से जितने लोग हैं, एक हम, मैं उनमें से कुछ नाम गिनाता हूँ। शाम के बैच में एक आती है महिला, रूपल अग्रवाल। वो आपके एरिया में नहीं है? सर, पूनम से एरिया, पूनम के एरिया में रहती हूँ। तो ऐसा कुछ आप विचार करें, कुछ तरकीब कि कोई आपके आसपास का या तो ज्वाइन करे क्लास,
और जरूरी नहीं है कि वो इसी क्लास को ज्वाइन करे, नागपुर में किसी और क्लास को भी ज्वाइन करे ताकि आपकी कंपनी बन जाए। और अगर इस क्लास को ज्वाइन करता है तो यहाँ की चीजें पर चर्चा करने में दो लोगों को मजा आएगा क्योंकि एक सी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ अपने रूटीन को, अभी आप जब स्पीच देंगी तो मैं उसको दोनों दृष्टिकोण से सुनूंगा आपके रूटीन को। नहीं, लेकिन आप अपना रूटीन नहीं बताएंगी, या तो हस्बैंड का बताएंगी या बिटिया का। तो अब हम मुझे नहीं मालूम, ये आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि आपके रूटीन में से कहाँ आप थोड़ा सा समय ऐसा निकाल सकते हैं। बिकॉज कंपनी इज द बेस्ट टूल टू लर्न इंग्लिश। किसी का साथ इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा उपकरण होता है। अब आप यहां देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब में एस लगा हुआ है, और अब आप एस लगाना अच्छे से समझ गए हैं, मान्य ने बता दिया। बीच में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, अब आप इतना समझने लगे। और एस से लगा हुआ ये भी आप समझ गए, भगवान एक वचन है, इसलिए सारी क्रियाएं बहुवचन होती तो उनको एस या एस लगा के एक वचन बना। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप लॉन्ग को समझ गए कि वो एडजेक्टिव है। अभी भी कुछ बैच में बच्चे इसके बाद के शब्द को वो केवल ये सोचते हैं कि एडजेक्टिव केवल बी चैप्टर में आता है, ऐसा उनका मानना है। तो एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण कहीं पे भी लग सकता है। तो ये विशेषता बतला रहा है, अगर हम अनुवाद करें तो भगवान। अब स्टे का क्या क्या अर्थ है जानने लगे हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद, आप दोनों में से कोई भी बताएं। रुकना या ठहरना? ये तो आप पहले से जानते थे, लेकिन हमने आपको एक पोस्ट, उस वीडियो में हमने ऐसा एक पोस्टर करके दिखाया भी है। लगता है उस वीडियो को आपने, बी रहना हाँ, उसको एक आध बार देख, 10-15 दिन में एक आध बार जरूर देख ले। तो भगवान रहता है, ये ताहती है निकल रहा है। जी, आपका जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, भगवान रहता है कहाँ? रहता है दूर, रहता है भगवान, रहता तो बहुत दूर है, बट लेकिन स्ट्राइक मीन्स स्ट्राइक कॉमन शब्द है। आप लोग कैरम जरूर, सर, एहसास या अभी उस एग्जैक्ट लेवल पर मत जाएं, अभी अपन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देखें। अगर आप ये वर्ब जरूर आपके पास लिखी हुई है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम एक इडियम देते हैं जिसमें ये शब्द आता है, सर, और आप अंदाजा लगाना, स्ट्राइक होना। चलिए अब ये जो कुछ हो रहा है उससे अपन पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आपको एक इडियम मिला होगा, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, हल्का सा भले याद हो। महसूस क्या सर? चलिए पूछिए। वन या व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चोट करना? आई डोंट नो दीदी। ओके, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चोट करना? जो ही द वर्ब फॉर चोट करना शुड बी स्ट्राइक। ओके सर।
अब अगला मान्या, वॉट प्रश्न। शुड बी द फर्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक? द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक शुड बी स्ट्राइक्ड. स्ट्रक. द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक शुड बी स्ट्रक. श्रीरी, वॉट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक? थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक शुड बी स्ट्राइक. स्ट्रक अगेन सर. स्ट्रक. अब थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। वर्ब को नाउन बनाने के नियम याद है कौन कौन से? दो छोटे छोटे से कोई रिक्शे वाले की कहानी कभी सुनाई? पुराना कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें मिल जाएगा। हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि बैच के शुरुआत में ही उस पर हम चर्चा कर देते हैं। जरूरत ही पड़ती है उसकी बिल्कुल शुरू में, तो किसी वीडियो में वो पूरा उदाहरण मिलेगा। वर्ब को नाउन में बदलने के दो छोटे से नियम है। या तो वर्ब के अंत में आर या ई आर लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है। टीच, टीचर, सिंग, सिंगर, डांस, डांसर, या वर्ब के अंत में आईएनजी लगा दीजिए तो वो नाउन बन जाती है। राइट, राइटिंग, योर राइटिंग इज गुड, बेटा योर राइटिंग इज नॉट गुड, नाउन बन गई। और इसके ठीक पहले वाले राउंड में हमने खूब सारे आईएनजी लगा के नाउन बनाए कि ड्राइव इज ड्राइविंग अ पीस ऑफ के, वो नाउन ही बन रहा था इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे आ पा रहा था, वरना मूल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट इट था। अगर वो नाउन नहीं बन पाता तो सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता था। तो 27 साल से हम एक शब्द को, बच्चे लोग तो आज भी गलत बोलते हैं, बोलते हैं यार मैं ये गुलाबी वाला स्टाइगर लूंगा, मेरे को पीला वाला स्टाइगर अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आप भी आज तक यही बोलते आ रहे, लेकिन अब आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए तो सही नाउन आपको पता चल जाएगा। और आप बोल देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। स्ट्राइकर आर बस लगाना है ऑन योर स्क्रीन। आई वॉन्ट ब्लू स्ट्राइकर, आई डोंट वॉन्ट येलो स्ट्राइकर। स्ट्राइक, स्ट्राइक। सो गॉड स्टेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। यहाँ पे आप एक अच्छी चीज भी सीखते हैं मुहावरों के माध्यम से कि लास्ट के साथ एट बड़ा खूबसूरत प्रपोजिशन है, वो अक्सर आता ही है। एट लास्ट, आखिरी में। अब हिंदी में आ जाता तो बच्चे इन लगाने लगते हैं, इट इज रॉन्ग। तो अब इतना सारा हिंदी बताने के बाद कि भगवान रहता तो बहुत दूर है लेकिन आखिरी में वो शोर जरूर करता, तो कोई हिंदी मुहावरा अगर ध्यान में आ रहा है तो बताएं, नहीं तो मैं
यस सर, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यस नाउ स्पीक दिस गॉड सेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मान्या गॉड स्टेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। भगवान की लाठी में आवाज नहीं। आप में से कोई इसको इन्वर्टेड बना सकता है? इन्वर्टेड बना के मुझसे पूछे। सर, डज गॉड स्टे लॉन्ग बट स्ट्राइक एट लास्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। यस ही स्टेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। क्या भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती? हाँ वो रहता तो बहुत दूर है लेकिन आखिरी में वो चोट करता है और पता नहीं चलता है। चलिए वैसा हिंदी तो मजेदार नहीं होता लेकिन एक बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जी जी से फिर क्लास को समाप्त करते हैं। डज गॉड स्टे लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट? सॉरी बट स्ट्राइक एट लास्ट। यस, गॉड स्टेज लॉन्ग बट स्ट्राइक्स एट लास्ट। स्ट्राइक। ओके सर, स्ट्राइक ही है। क्या भगवान दूर रहता है और आखिरी में चोट करता है? हाँ, भगवान दूर रहता है और आखिरी में चोट करता है। वैसा मजा नहीं आता मुहावरे का, वैसा नहीं कर पाते तो मैंने हिंदी वैसा कर दिया। इस बहाने वो हिंदी भी हमारे जेहन में बैठ जाएगा। Have you written this? यस Do सर, you आई have हैव you रिटन written? दिस। यस सर, आई हैव रिटन दिस। Should I erase? यस, यू शुड इरेज दैट सर। Okay. Manu, should we conclude the class? यस सर, वी शुड कंक्लूड द क्लास। Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच।